निकाय चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। तो यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग इसी महीने सौंप सकता है रिपोर्ट। आयोग ने 46 जिलों का दौरा पूरा कर लिया है। दौरे के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू होगा और जल्द शासन को रिपोर्ट सौंप सकता है पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट देनी है। तो ये जानकारी मिल रही है कि इसी महीने अपनी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। और 46 जिलों का दौरा अब तक आयोग पूरा कर चुका है और दौरे के आधार पर अब रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू होगा और जल्द ही शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि निकाय चुनाव कब होने हैं। लेकिन संभावित ये माना जा रहा है कि जल्द यानी कि अप्रैल में यूपी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि सभी सांसदों की रिपोर्ट तैयार होगी और उसी के आधार पर लोकसभा चुनाव का टिकट भी फाइनल होगा। साथ ही दुष्यंत गौतम ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट गई है और तमाम सारे सांसदों को सर्वे कराने जा रही है, किस तरीके से टिकट देने को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिएगा कि राजनीतिक दल होने के नाते अपने चुनाव की पूरी तैयारी करना हमारा अधिकार भी है और जीतने के लिए सारे मापदंड देखे जाते हैं, नापे जाते हैं, कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार जीतने की स्थिति में पूर्णता है, तो सारे विषय संज्ञान में लिए जाते हैं, उसके अनुरूप ही चुनावी मैदान के अंदर कैंडिडेट को उतारा जाता है और देखा जाएगा। अभी तो ऐसी कोई सर्वे वर्वे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो आप कह रहे हैं ये होता है सारा कुछ। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे उपलब्धता, क्षेत्र में लोकप्रियता, क्षेत्र में उपस्थिति, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं, और आप भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये सब हम करवाएंगे, तो क्या यही सब पैमाना होगा एक कैंडिडेट को टिकट देने का? नहीं, अनेकों अनेक मापदंड होते हैं। जनता में स्वीकारता कितनी है, पार्टी के एजेंडे को कितना लेकर गए हैं आप जनता में। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, हम निश्चित किए कि हमने चुनाव जीतने ही नहीं, मन भी लोगों का जीतना है, और जो योजना है उनको ले आने में कितना क्रियान्वयन में आपकी स्थिति रही है। आखिरकार हम सरकार के अंग हैं, हम संगठन के अंग हैं, संगठन की योजनाओं को ले आना हमारा कर्तव्य भी बनता है और उस कर्तव्य को निर्वाह करना और किस प्रकार से करवाया गया ये सारे मापदंड होते हैं। जिस तरीके से पार्टी के तमाम सारे सांसद काम करते हैं, उनका संगठन स्तर पे और इंटरनल सर्वे के आधार पे रिपोर्ट तैयार होती है, जिसके बाद ही उनके जो है निर्वाचन को लेकर के उनको कैंडिडेट घोषित करने के लिए प्रक्रिया होती है। के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। वैसे में खबरें आ रही है कि बीजेपी अपना इंटरनल रिपोर्ट तैयार करे जिसमें सांसदों की लोकसभा क्षेत्र में उपस्थिति, उनकी लोकप्रियता, सोशल मीडिया पर सहभागिता, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजना, इन तमाम सारे पैमानों को अब परखा जा रहा है। ये संगठन और सरकार के विषय रहते हैं, जिस स्तर पर जिनको जो समीक्षा करनी है वो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी के जो निर्देश मिलते हैं उस तरह से काम करते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराने का काम किया है उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम 2024 में फहराने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम सारे सांसद अपने क्षेत्रों में कार्य करते रहते हैं, आगे आने वाले चुनाव में उससे भी ज्यादा सीटें हम इस बार जीतेंगे। कृष्ण धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।